ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आज 7 जुलाई है और आज मीठी मेरे बाबा बोली, मीठी बच्ची पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर, देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आज मुरली में प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। बाबा कहते कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। कौन से ऐसे गुण सुमन पर को मन वचन कर्म से दुख रेवन और सुनीता माता जी बाबा कहते हैं किसी से लड़ना झगड़ना झूठ बोलना बाबा से विमुख होना सारी चीजें बाबा को बाबा से बच्चे दूर कर देती है। अच्छा है ना, श्रृंगार बिगड़ जाता है। और ममता माता जी जब हम बाबा की सेवा में छोड़ते जब हम आपको चलते हैं तो हमारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। और ये भी कहते हैं क्रोध करना, अगर हम गुस्सा क्रोध करते हैं तो हमारे दैवी गुण नहीं झलकते तो आसुरी गुण झलकते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। रेनू भाई श्रीमत को छोड़ मन मत पे चलना उससे भी श्रृंगार बिगड़ जाता है। और नील माता जी और क्या कहेंगे, फुला माता जी इससे श्रृंगार बिगड़ता है। सोमा माता जी दूसरों को दुख देना आप देना दूसरे को सब श्रृंगार बिगाड़ देना। और ज्योति माता जी ओम शांति मय जी, अगर बाबा को बनकर भी वो असुर गुण नहीं छोड़े तो फिर मतलब उसको असुर गुण उसके अंदर असुर गुण रहेंगे तो फिर दुख ही देगा दूसरे को तो श्रृंगार फिर बिगड़ जाएगा। असुर गुण कौन से बहुत सारे होते हैं, जैसे दुख देना झूठ बोलना क्रोध करना किसी की निंदा करना। यही बाबा ने पूछा था। अभी बाबा ने उत्तर में कहा कि आपस में लड़ना झगड़ना, आपस में लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर पर घमचक्कर मचाना, हाँ दुख देना, यह आसुरी गुण है।
जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इस आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं। बाप का बन करके भी आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है, हिसाब ही हिसाब है। हाँ, हिसाब बनता रहता है, ऐड होता रहता है अकाउंट में, कितने कर्जा चढ़ गया, इतना कर्जा चढ़ गया ना, उतर तो कुछ भी नहीं रहा। तो बाबा कहते हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ और कौन होता है? बाबा कहते बाप के साथ धर्मराज भी है, तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन, है ना, अक्सर करके बाबा कहते रहते अटेंशन रखो, तो इसलिए बाप के साथ धर्मराज भी है। आज गीत चला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आगे आगे सुना ये भी कभी ऐसे बोलते हैं। आगे सुना बिगड़ी बनाने वाला कोई। और सुनाओ, पूरा कंप्लीट करो। फुला माता जी गीत है भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, गोरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो, है ना, क्या गाते हैं? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भक्ति वाले तो गाते रहते हैं और हम देखते हैं। तो बाबा कहते तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा, ना, कल का क्वेश्चन भी था ये, तो आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से, बिना शरीर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। शरीर विनाशी है जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है, 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है, योग से शक्ति जास्ती मिलती है। बाबा कहते जिससे तुम पावन बनते हो। बाबा कहते बाप तुमको शक्ति देते हैं, किसके लिए, क्या करने के लिए, पावन बनाने के लिए। और शक्ति क्यों देता है? बाबा कहते विश्व पर राज्य करने के, इतनी महान शक्ति देते हैं वे। साइंस घमंडी आदि इतना सब बातें बना, बाबा कहते इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। आज साइंस वालों ने जो कुछ बनाया है विनाश के लिए बनाया है, उनकी बुद्धि में बुद्धि है विनाश के लिए। तुम्हारी बुद्धि है, उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है स्थापना के लिए, स्थापना के लिए। स्थापना के लिए। हाँ?
क्या कह रहे सुमन भाई? विकार के लिए आपकी बुद्धि। बाबा कहते उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तो बाबा कहते हाँ इनडायरेक्टली वही हो गया ना, विकास तो उनके सामने बोले ना कि विकास कर रहे हैं, अविनाशी का उनको पता नहीं चलता। विकास के लिए बाबा की लैंग्वेज नहीं है ना। नहीं नहीं विकास बोला हमें सुना विकार। अच्छा। तो बाबा कहते तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। कहां पर? सतयुग में है ना, वहां है ही राजा रानी का राज्य। जैसा राजा रानी बोलेंगे वैसे प्रजा मान लेगी, क्योंकि वहां पे एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत होती है। इसलिए बाबा कहते ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है देहत के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। रहती है बाबा के पूछते इतनी खुशी रहती है? इतना ऊंच पद पा रहे हैं, इतना ऊंचा वर्षा मिल रहा है तो क्या खुशी रहती है इतनी? ये कभी कभी उड़ भी जाती है, गायब हो जाती है। बाबा कहते जिससे कुछ मिलता है ना उसको याद किया जाता है। अब जैसे कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस में सैलरी मिलती है तो याद किया जाता है, जी मैंने काम एक्यूरेट करना है। तो इसलिए बाबा कहते कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति से के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है, ये ना क्रिश्चियन शब्द है। बाबा कहते पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है, यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार नहीं है उसको भूल जाते हो। हाँ तो बाबा कहते वे ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। क्या गुण अवगुण बताए बाबा ने आसुरी? लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर पर घमचक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, बाबा के पास बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है, क्योंकि एक सेकंड का क्रोध क्या से क्या कर देते हैं। जैसे एक बार दिखाते हैं बताते हैं, एक छोटी बच्ची थी उसने क्या किया, जैसे गाड़ी ली उसके पिताजी ने, बहुत न्यू ब्रांड गाड़ी लेकर आए, लेकर ही आए थे अभी घर से, मतलब शोरूम से, और घर पे खड़ाई थी। बच्ची गई बाहर, उसके ऊपर कुछ लिख दिया गाड़ी के ऊपर, पिताजी आए कुछ नहीं देखा, देखा स्क्रैच डाल दी और ऐसा थप्पड़ मारा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। कुछ दिन रही और कुछ दिन के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर वो पछताने लगा ये क्या कर दिया मैंने। फिर जब वो गाड़ी के पास जाकर देखता है कि बच्ची ने क्या किया था, वहां हार्ट बनाकर लिखा होता है आई लव यू पापा, फिर इतना पश्चाताप करता है। इसलिए कहते हैं हमेशा जब क्रोध आता है खुद को साइड कर लो, क्योंकि एक सेकंड का क्रोध क्या से क्या कर देता है। उसको पश्चाताप हुआ, मेरी बच्ची प्यार जता रही थी और मैंने क्या कर दिया। इसलिए आजकल के ना मेटीरियलिस्टिक प्यार हो गया है, दिल का प्यार नहीं रहा है आज, साधनों से प्यार है ना, कोई साधन बिगड़ गया तो उसके साथ प्यार है। तो इसलिए बाबा कहते क्रोध भी कम शत्रु नहीं है।
फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं? उससे प्यार करते हैं हमसे प्यार नहीं। आजकल छोटे बच्चों के अंदर भी ये भावना रहती है ना, बड़े वाले को प्यार करते छोटे वाले को प्यार नहीं करते। तो फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? आजकल छोटे तो छोटे क्या, बड़े भी बहुत महाशय है। हाँ, तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है ना, पोजीशन में तो फर्क रहता है। मेहनत, बाबा कहते मेहतर भी देखो, है ना, मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं। कोई कहाँ रहते हैं? बाबा कहते हर एक को अपना पुरुषार्थ कर, दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है, देखना पड़ेगा इसका मेहतर क्या होगा। बाबा कहते आसुरी एक्टिविटी हो जाती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो, तो बाबा कहते तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। बाबा कहते तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो क्या करना है? सुख हरता दुख करता, हाँ क्या करना है? सुख देना है ना। तो बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, चाहिए जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ता है, पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो, और सुधारने वाले ही खराब हो गए तो ब्राह्मणों की तो क्या हालत हो जाएगी। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, बाबा कहते पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है, उनके साथ कौन है? धर्मराज भी है। बाप भी है तो धर्मराज भी है, बहुत ऑफिशियल। बाबा कहते ऐसा अगर कोई ट्रेटर बना तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। क्या डिस्कशन होगी, कितना बड़ा पाप किया। अगर कोई बड़ी इशू क्रिएट हो जाता है भारत में, इंडिया में या देश विदेश में, तो ट्रिब्यूनल बिठाते हैं कि क्या करना चाहिए। कोर्ट कचहरियां होती हैं कि इसके पिछाड़े इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। अब हमने भी श्रीमत के विरुद्ध कोई कार्य किया, बाप की गलानी अर्थ कोई कार्य किया, तो क्या होगा? ट्रिब्यूनल तो बैठेगी। इतनी बड़ी सत्ता के लिए तुमने इतना बड़ा क्या किया, डिसरिगार्ड करवाया। तो इसलिए बाबा तभी कहते हैं फॉलो मदर फादर, कदम पर कदम रखते चलो ब्रह्मा बाप के। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने कैसे शिव बाबा की महिमा की, कैसे उनको श्रेष्ठ रखा अपने जीवन में, कैसे इंपॉर्टेंस दी उनको, वो हमें उनके जीवन से पता चल सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हम कई बार डायरेक्शंस भी नहीं लेते बहनों की, है ना, निमित के डायरेक्शन नहीं लेते तो क्या हो जाते हैं, विरुद्ध चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं परंतु वो डायरेक्ट सही नहीं होता। इसलिए हर श्रीमत बहनों से लेनी है, क्योंकि बाबा ने निमित बनाई है ना। तो इसलिए बाबा कहते ऊंच ते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं, ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है, कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। हाँ, क्या किया तुमने वो सारा हिसाब, वो बही खाता तुम्हारे सामने आ जाएगा।
यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। बाबा अक्सर करके कहते हैं, अव्यक्त मिलन में आप सभी ने सुना होगा कि बाबा कहते हैं धर्मराज भी है, बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, तो वो तो हिसाब भी लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा। फिर उस समय क्या कर सकेंगे, खत्म करेंगे उसको, हो ही नहीं सकेगा उस समय, तो उस समय तो सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए, अभी संडे की मुरली में बहुत काल का अभ्यास। अब तो देखो 86 में ही बाबा ने कहा कि बहुत काल का समय खत्म हो गया, गोल्डन जुबली हो गई थी, उस समय बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत काल का खत्म हो गया, थोड़े टाइम का रह गया। अब देखो थोड़े टाइम में भी कितना करेंगे। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार होगा, हमने यह किया, है ना। उषा दीदी बताते थे, उन्होंने जैसे कि वो रेमंड मूडी की वो पढ़ी थ्योरी, तो उसमें बताया कि जब वो हिप्नोटाइज करके आत्मा ऊपर गए ना, तो उसके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन चलती है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर भी है। अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली में था ना, प्रोजेक्टर है वो, दुनिया वाले प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर में बहुत फर्क है। यहाँ हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर एक कर्म, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही ऊपर जाएंगे वो प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएगी। मना नहीं कर सकते ये कर्म मैंने नहीं किया, क्योंकि सामने दिखोगे। फिर पश्चाताप की अग्नि में चलेंगे कि मैंने ये भगवान की श्रीमत पर चलते हुए क्या कर्म कर दिया, वही सजा होगी। जब जब सीन चलेगा ना, स्क्रीन सामने चलेगी, और पश्चाताप दिल खाता रहेगा अंदर, भगवान ये कहता, साथ साथ में बाबा का भी चलेगा, भगवान ने ये कहा था, मैंने क्या किया था, तब दिल खाएगा। होता है ना कई बार, कोई बड़ी लॉटरी मिलने वाली होती है, मैं नंबर चूज करने वाला वही होता हूँ, पर दूसरा ले लेते हैं, फिर उसके बाद हाय वो वाला नंबर ले लेता हूँ, दिल खाता है। तो बाबा कहते वहां तो थोड़ी मार, बाबा कहते फिर उस समय क्या कर सकेंगे, साक्षात्कार होगा, हमने ये किया, वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी, तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में भी आना। बाबा कहते तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। बाबा कहते ऊपर तो कम मार पड़ेगी, पर यहाँ ज्यादा, वो बड़ा दर्दनाक होता है, गर्भ जेल होती है ना, जो हाँ बहुत दृष्टांत दिखाते हैं शास्त्रों में, वर्णन करते हैं इस चीज का, वहां तो गर्भ महल है। तो इसलिए बाबा कहते कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर बाबा कहते ब्राह्मणी से भी ऊंच हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर अंडरलाइन शब्द है, जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि जब प्रजा ही नहीं बनाई तो फिर भाई किसके ऊपर राज्य करेंगे। तो बाबा कहते सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो, पूछ रहे हैं बाबा, देही अभिमानी होकर बैठे हो, बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है, बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाए सुखदा, वो फिर पुरुषार्थ भी उसी अनुसार करते हैं। बाबा ने कहा ना कल गैलप करते हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं वो गैलप करते हैं, हर चीज को बड़ी एक्यूरेसी से और ऑन द स्पॉट उस चीज को एक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर, कि मैंने तो ये करके ही छोड़ना है,
इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस नर्क की छी छी दुनिया से जाएंगे सुखदा। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे, क्योंकि नींव है ना, तो अगर वही हिल गया तो सब कुछ डामाडोल, ज्ञान जो लिया है ना, चलो वो तो बुद्धि में रहेगा पर अथॉरिटी नहीं बन सकेंगे सुनाने के। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, बाबा कहते हैं अर्जुन ख्याल होता है, चलता है दिमाग में कि अभी अवस्था बच्चों की क्या है, कितना समय हो गया बाबा को समझाते समझाते, आज भी बाबा वही समझा रहे, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, पहला लेसन बाबा आज तक पढ़ाता आ रहा है, क्योंकि यही लेसन पक्का नहीं हुआ बाबा। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले जाए चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, इसलिए बाबा से मिलने के लिए तड़पते हैं, ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने, अच्छा लगता है ना बाबा के सामने बैठकर कि बाबा ऐसा रोज बाबा मिलन करते रहो, आप मन ही नहीं करता बाबा के सामने सूखने का, अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, मधुबन में रहते तो कोई झंझट नहीं है, पर जब बाहर जाते तो बुद्धि से तोड़ निभाना, निभाना भी है और बुद्धि से तोड़ना भी है, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं, अटैचमेंट नहीं डिटैचमेंट, न्यारापन और बाप का प्यारापन, नहीं तो बाबा कहते हैं अगर तोड़ नहीं निभाएंगे ना, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बहुत बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, गुप्त याद में रहें तो बाप की डायरेक्शन पर भी चले, तो याद ही नहीं पहुंचते तो डायरेक्शन भी कहां से मिलेगी, है ना, योग नहीं पूरा। तो बाबा कहते देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं, कहता हूं बाबा अक्सर क्या कहते हैं, क्या श्रीमत देते हैं, हाँ सुमन मैम क्या श्रीमत देते हैं बाबा, अक्सर बाबा क्या कहते रहते हैं, सुनीता माता जी बाबा क्या कहते रहते हैं, कहते हैं मुझे याद करो, कपड़ में मत जाओ, दुनिया वादा की ब्रह्म माँ पता, बाबा ये कहते बार बार मुझे याद, बाबा कहते हैं दुनिया में लगे रहते घड़ी घड़ी ये पाठ पक्का होता मैं आत्मा हूँ, बाबा कहते हाँ, बाबा कहते देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं, कहता हूं चाट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा, ये किसने कहा, किसने कहा, बाबा ने कहा कि कहता हूं चाट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा, शिव बाबा ने, टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, तो शिव बाबा तो हमारा टीचर है तो करना तो चाहिए, चार्ट तो लिखना चाहिए, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है, अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं देखो कैसे याद में रहते हो, समझते हैं हम आत्माएं आशिक हैं एक माशूक के,
वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तुम बहुत पुराने आशिक हो, हमारा ही वो प्यार आज चल रहा है दुनिया में, है ना, हमारा बाप के साथ था और उन्होंने जिस्मानी प्यार रख लिया, तो इसलिए बाबा कहते, बाबा कहते बहुत तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियां मिठू नहीं बनना है, अपनी तारीफ लेने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। बाबा कहते मियां मिठू नहीं बनना है, बाबा ऐसे थोड़ी ही कहते, हड्डी दे दो, बाबा ऐसे तो नहीं कहते ना हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, और भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिए, हड्डियां भी दे दे, तो भाव अर्थ तो समझा नहीं ना, रियलिटी तो समझे नहीं, समझ लिया जी सच्ची में दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां अपने शरीर को गलाया, वो गाय को लगाया, गौ को माता को लगाया, शरीर पे लेप लगाकर गौ चाटती रही और शरीर से मांस उतर गया। दधीचि ऋषि का मिसाल बताते हैं बाबा, तो उसमें क्या था, जो दधीचि ऋषि था ना, तो असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया था, तो जिसके कारण असुरों को केवल वो कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही शस्त्र बनाकर तब मार सकते थे, ऐसे नहीं मर सकते थे, उनको वरदान था। तो वो गए देवताएं दधीचि ऋषि के पास, जी असुरों ने तो बहुत घमसान मचा रखा है ना, तो बाबा कहते हैं कि घम चक्कर मचा कर रखा हुआ है, तो क्या करें हम, और वो मरेंगे केवल आपकी हड्डियों से। वो कहते कि मेरे को, मैं तो ऐसा मर नहीं सकता, मेरे को तो अमर भव का वरदान मिला हुआ है, फिर क्या युक्ति रचे। तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर कुछ ऐसा लेप लगाओ जिसको गाय चाटे और चाट कर ये मांस उतर जाए और हड्डियां मिल जाए आपको। तो वो कुछ ऐसा लगाते हैं, गौ माता को लेकर आते हैं और गौ माता चाटने लग जाती है उनको, क्योंकि उनकी जीभ पे बहुत खुरदरापन होता है ना, दाने दाने होते हैं, बहुत ज्यादा होता है वो, अगर कई बार टच किया हो तो महसूस होता है वो। तो उसने वो चाटती गई गौ, चाटती गई और मांस सारा निकल गया और केवल हड्डियां बच गई, जो आज इंद्र के पास अस्त्र दिखाते हैं ना, शस्त्र इंद्र के पास, वज्र जिसको कहते हैं, वज्र हड्डियों का बना हुआ, वो दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ। फिर उससे उन्होंने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। अब बाबा क्या कहता है इसमें, तुम्हें अपनी हड्डी सेवा में देनी है, मन वचन कर्म से जब बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा की सेवा में तत्पर रहेंगे, ज्ञान योग में बिजी रहेंगे, चारों सब्जेक्ट हमारे परफेक्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा, असुरों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि असुरों की तरफ माया की तरफ तो हमारी नजर ही नहीं जा रही, तो माया को आने की कुर्सी नहीं मिलेगी फ्री, क्योंकि मैं और बाबा तो बैठे हुए दो कुर्सियां केवल। तो इसलिए बाबा कहते ये भावार्थ उनको नहीं समझ आया। तो बीमार बाबा कहते, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे, कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं, जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे, सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं, जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को बहुतों खींचेंगे, इसमें ही ताकत है, प्योरिटी फर्स्ट, कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीछे बाबा कहते कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रोस्पेरिटी, याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल, याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे, याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे, है ना, दैवी गुण भी आएंगे, तो याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कितना याद करना चाहिए, जैसे नशा चढ़ा हुआ हो कि याद के बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्ति है ना याद से,
तो इसलिए बाबा कहते बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं, 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, कई तो मोटे रूप में डिसर्विस कर देते हैं, कई रॉयल रूप में डिसर्विस करते हैं, तो दोनों में ध्यान रखना है। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं, श्रीमत पर चलते चलते भी अपने आप को श्रापित कर लेते हैं, है ना। दूसरों तो को तंग करते हैं, बहुत सताते हैं, बाबा कहते हैं ये सताना भी बाबा कहते हैं डिसर्विस करने से एकदम फट पड़, बाबा कहते पट पड़ जाते हैं, माना बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, पट पर आकर पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहां बैठे हैं, हाँ बाबा कहते अनेक प्रकार के बच्चे यहां बैठे हैं, यहां से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो बाबा कहते भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। समझे कि पश्चाताप हो गया, कहीं कहते हैं ना सॉरी फील कर लो, कोई बात नहीं माफ कर देंगे, पर बाबा के सामने उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट में ऐड हो गया, अब लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वो तो माया की चीज है, मेरी चीज तो नहीं है, अब वो तो देनी पड़ेगी, तो हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते बाप कहते हैं क्षमा अब अपने पर आपे ही करो। कैसे करेंगे अपने पर क्षमा? उन्नति के साधन निकालो, फिर बाबा की याद में ज्यादा रहो। कभी विकार हो जाता है, विकर्म में चले जाते हैं ना, कभी ऐसा कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे कि अपने आप को सजा दे दो, बाबा ने कहा कि अपने आप को चमाट लगाओ, क्या विकर्म कर दिया, है ना। याद में एक्स्ट्रा रहो, कई बार क्या होता है ना याद में बड़ा विघ्न डालती है माया, तो अपने आप को सजा दो कि मैंने आज 1 घंटा याद में बैठना है, बाय हुक और बाय क्रूक, जो भी हो जाए, माया जितनी मर्जी जोर से आए तो मैंने तो याद में बैठना है। इसलिए पहले मन को बिठाओ, मन जब इधर उधर भागता है ना तो माया आने का एक चांस मिल जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या करते हैं, जब बच्चा इधर उधर भागते हैं तो दरवाजे बंद कर देते हैं सारे ताकि बाहर ना चला जाए, तो ऐसे ये मन भी इधर उधर भागते हैं। सबसे पहले खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो जहां से माया आ सकती है। इसलिए बाबा कहते याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले जाओ, रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दे दी जाती है, तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है, और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने हैं और माया बनने नहीं देती है। बाबा कहते ऊंच पद पाने के लिए के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। तो हम बड़े आदमी के बच्चे हैं ना, बड़ी सत्ता के बच्चे हैं, तो कैसे चलना चाहिए, रॉयलिटी से चलना है, आसुरी गुण तो नहीं होने चाहिए। वहां कहां बाप की इज्जत ना जाए, ध्यान रखते हैं रॉयल फैमिली वाले कहीं मेरे बाप का नाक ना कट जाए, और हम हमारी सर्वश्रेष्ठ सत्ता बाप और जो टीचर और सतगुरु के रूप में पाठ हो जाता है तो तीनों का ही तिरस्कार करवा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो तो दुनिया वाले कहेंगे ना कि तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, क्योंकि किसी ने ज्ञान लिया होता है ना तो थोड़ा सुना होता है,
तो उनको ये बताता है कि ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान तो अच्छा दिया जाता है पर ये ठीक नहीं चलता। तो कहते हैं तुम कितने कपूत हो, तुम अपने आप की इज्जत गवा रहे हो। यहां तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते रहे, बड़े खबरदार हो चलो। अपने आप की, हाँ जी, अपने आप की इज्जत गवा रहे हो। बाबा कहते अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो, यहां तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स ना बनो, पिंजरे के पंछी ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहां होते हैं, सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो। किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएंगे। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने बन, बाबा कहते पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। तो सदगति दाता तो केवल एक ही शिव बाबा है। फिर बाबा कहते फिर क्या होता है, फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, है ना, ब्रह्मा को भी कह देते हैं। तो जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं है, कहीं तो दुनिया में तो यही कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, तो गुरु तो ये तीनों नहीं है ना। गुरु कौन है, एक सच्चा सच्चा शिव बाबा, क्योंकि उन्होंने तो शिव बाबा को उड़ा दिया त्रिमूर्ति में से, तो उन्होंने तीनों को ही गुरु समझ लिया। गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वे है धर्म स्थापक, वो कौन है, बुद्ध क्राइस्ट इब्राहिम, ये सब कौन है, धर्म स्थापक है। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते, यह बड़ी डीप बातें समझने की है। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए यह समझानी। एक ही बाबा कहते गुरु सदगति के लिए, बाबा कहते एक ही गुरु सदगति के लिए नहीं है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है, बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। बाबा कहते सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, सतयुग आदि की संख्या बहुत कम होती है, बहुत थोड़े होते हैं। तो बाबा कहते वहां किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, किसका राज्य था वहां, देवी देवताओं का राज्य था, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, तभी उनको स्वर्ग में दिखाते हैं, खुद को नर्क में दिखाते हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग के में इतना इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम अभी समझते हो,
पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए, बाबा कहते फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। देखो ये इंटररिलेटेड है। बाबा कहते कि 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए वैराग्य। भक्ति मार्ग शुरू हो गया, खत्म होने को आया, संगम आ गया तो वैराग्य चाहिए। कलयुग की चरम सीमा हो गई तो बाबा कहते अब क्या चाहिए, वैराग्य चाहिए पुरानी दुनिया से। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, वैराग्य होगा और बुद्धि में यही होगा कि अब चले हम अपने असली घर। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहां पतित बच्चे, बाबा कहते वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे, सतो प्रधान पवित्र। बेहद का बाप तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबज नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा, क्योंकि भोजन से निद्रा आती है, नींद का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो याद में रहने वाले होंगे ना वो भोजन भी बहुत कम खाएंगे। ये वो हमारे जगदीश भ्राता जी बहुत सूक्ष्म भोजन करते थे। अब दादियों की अवस्था देखो कितना सूक्ष्म भोजन करती हैं, वो हर समय निरंतर बाबा की याद में रहती हैं। वंडरफुल है ना। तो बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है, आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे। तो बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं। कहते हैं जी सुबह अमृत वेला नहीं उठा जाता, रात का भोजन कितना किया जी, 5-6 चपातियां खा ली थी, वो चावल भी खा लिए थे। तो बाबा कहते हैं भोजन ज्यादा करेंगे तो झुटका भी आ जाएगा, उबासी भी आएगी। फिर कहते बाबा नींद आती है, क्या करें, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। देखो दुनिया वाले डॉक्टर्स क्या कहते हैं और ये रूहानी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो उनको इतना वो चीज का नहीं है ना नशा कि हमें क्या करना है। उनको केवल यही है कि जी पढ़ना है और दूसरों को तो पढ़ाना नहीं है, खुद पढ़ना है और ये चीज मुकाम हासिल करना है। बाबा कहते हैं यहाँ खुद भी याद में रहना है और दूसरों को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा विघ्न याद में पड़ता है, पढ़ाई में नहीं पड़ता। मुरली सुनते वक्त इतना विघ्न नहीं पड़ता जितना योग में पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, आज तो बड़ी टेस्टी दाल बनी हुई है, आज राजमा बड़े अच्छे बने हैं, चावल बने हुए हैं, कढ़ी बनी हुई है, तो हाँ तीनों समय एक बराबर होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बाबा ने आज रूहानी डॉक्टर बनकर सुनाई कि अपनी परहेज भी रखनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। गहरी बात है। दूसरा पॉइंट है
अपने ख्यालात बड़े ऊंच और रॉयल रखने हैं, अपने ख्यालात बड़े ऊंच और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबज को छोड़ देना है, हबज अर्थात लालच को, खाने पीने की हबज को छोड़ देना है। आज मीठे प्यारे बाबा का वरदान दिया, बाबा ने वरदान दिया, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति मतलब किसी भी स्थिति में हिल ना सके, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो मन में, मन में होगी तो बाहर तो ऑटोमेटिकली आएंगे। तो यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से वह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। बाबा ने भी कुछ कल परसों कहा था कि वो अगली क्लास में बढ़ाने के लिए परिस्थिति आती है, हर कंडीशन में एडजस्ट होने वाले, एयर कंडीशन टिकट की अधिकारी भाव, यही था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बस यही गीत गाते रहो, वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ यह संकल्प भी ना आए, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। आज गीत क्या था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओम शांति।